से आप 10 साल यूरोप में रह चुके हो, तो आप क्या रेकमेंड करोगे कि मतलब किसी को कनाडा जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, या ईयू वाले लैंग्वेज के झंझट में फंसना चाहिए? बट यहाँ पे ना ईयू में आने का ये बड़ा फायदा, एक तो पहले वो ट्रैवल बहुत आसानी से होता है, और दूसरा है कि भाई फिलहाल तुम्हारा भाई बैठा है एक कैफ़े में, यहाँ पे मैं इंटरनेट के लिए आया था और यहाँ पे मुझे ऑर्डर करनी पड़ गई है 4 यूरो की कॉफ़ी, तो आ गई यहाँ पे कॉफ़ी आ गई है। मैं कॉफ़ी कभी पीता नहीं हूँ, ऊपर से 4 यूरो की कॉफ़ी तो कभी नहीं पीता मैं, बट कोई नहीं, यहाँ पे ब्लॉग अपलोड करना था जल्दी, तो यहाँ पे इंटरनेट के लिए आया हूँ। यहाँ पे आओ दोस्तों, करते हैं 4 यूरो की कॉफ़ी का टेस्ट रिव्यू। मैं लेना चाहता नहीं था, जबरदस्ती लेनी पड़ी है, तो ठीक है। तो भाई इसी की शुरुआत करते हैं एपिसोड 7 का, बर्लिन जर्मनी में। यहाँ पे मेरे साथ हैं प्रतीक भाई, एंड आज हम कहाँ जा रहे हैं? पोट्सडाम। यहाँ पे कितनी दूर है यहाँ से? आधा घंटा, अराउंड 40 मिनट्स। और हम पिज्ज़ा खाने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भाई बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा पिज्ज़ा मिलता है, बहुत अच्छा, शहर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सही है, पिज्ज़ा मस्त मिलता है वहाँ पे। सही है, सही है। 2 डिग्री टेम्परेचर है आज, तो वहीं पे जा रहे हैं। बाकी फिलहाल कल रात को हम ये बात कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, पोलैंड जाना चाहिए, पोट्सडाम जाना चाहिए। तो यहाँ से यूरोप आने का ये बड़ा फायदा होता है ना, यहाँ पे कहीं भी जा सकते हैं, जैसे सब पास में। पोलैंड मजाक हो गया एक तरह से, एम्स्टरडैम जा सकते हैं। तो भाई मेरा तो ये बहुत कुछ है, तो मतलब मेरा जो रीज़न था ना यहाँ पे यूरोप मूव होने का, वो थोड़ा सा यही था कि मतलब मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, तो ट्रैवल जिसको पसंद है उसके लिए यूरोप इज़ लाइक बेस्ट। यहाँ पे आओ साला, एक फ्लाइट पकड़ो कहीं, मतलब इट्स वेरी इजी एंड चीप। तो फिलहाल आज जिस दिन ये वीडियो बन रही है, आज है संडे, और संडे को सब कुछ बंद है, मतलब सब कुछ बंद है। और यहाँ पे जर्मनी में एक अच्छी चीज़ है, भाई बता रहे थे कि जर्मनी के अंदर क्या करते हैं कि जो मेट्रो स्टेशन होता है उसी को ही मॉल मॉल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये जहाँ पे हम घूम रहे हैं ट्रेन स्टेशन है ना, तो ये जो जहाँ पे हम अभी घूम रहे हैं ये एक्चुअली में ट्रेन स्टेशन है। कौन सी सिटी है? पोट्सडाम की सिटी है। जाने को तो हम पोलैंड भी जा सकते थे, बट अभी मुझे आए हुए ऑलमोस्ट, ये 7वां व्लॉग है तो 7 दिन भी नहीं हुए। अगर मैं पोलैंड निकलता ना, घर वाले कहते भाई लड़का तो आती है, हमारा हो गया। 10 यूरो का आना हुआ ना, यहाँ 10 यूरो में पहुँचे, वहाँ पे कितने पहुँचते? तो 20 यूरो। हाँ, तो 10 जहाँ 10 खर्च रहे हो 20। तो मैं फिलहाल अभी हम जैसे पोट्सडाम में घूम रहे हैं, तो ये ऐसे समझो जैसे दिल्ली और फरीदाबाद, ये मतलब फरीदाबाद है यहाँ का, फरीदाबाद है। दिल्ली जैसे, दिल्ली और फरीदाबाद आसपास है, जो दिल्ली से नहीं देख रहे उनको समझाना मुश्किल है भाई, सॉरी आप लोगों को, सॉरी है। बाकी फिलहाल अभी लगी है भूख और पहले जाके पिज्ज़ा खाएंगे। और यार यहाँ पे थोड़ी सी ये दिक्कत है कि रात बहुत जल्दी हो जाती है, अभी कुछ 4 बजे होंगे, 4 बजे ऐसे हो चुके हैं जैसे बहुत अंधेरा सा हो गया, तो मतलब 7:30-8 बजे के आसपास। तो मतलब जो मेन कलर्स है ना यूरोप के, वो समझ में ही दिखेंगे, बाकी तो अभी तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे ना ईयू में आने का ये बड़ा फायदा, एक तो पहले वो ट्रैवल बहुत आसानी से होता है, और दूसरा है कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी मूव कर सकते हो, जैसे आप 3 साल इटली में थे ना, 3 साल इटली में, फिर इधर जर्मनी में, तो ईज ऑफ वो रहता है, कहीं से भी बोरी बिस्तरा बांधो और ईजिली आ जा सकते हो। ये फायदे है भाई यूरोप के कुछ, बस एक जो डिसएडवांटेज रहती है वो है कि लैंग्वेज, हर एक उसमें मतलब अलग लैंग्वेज। जैसे इटली में आप थे, इटालियन सीखी आपने? इटालियन सीखी, हाँ। स्पेनिश आगे थोड़ी बहुत, स्पेनिश भी आ गई। बट जैसे आप 10 साल यूरोप में रह चुके हो, तो आप क्या रेकमेंड करोगे कि मतलब किसी को कनाडा जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, या ईयू वाले लैंग्वेज के झंझट में फंसना चाहिए? डिपेंड करता है, स्टूडेंट लाइफ तो अच्छी है यूरोप में, यूरोप में अच्छी है। जॉब के लिए तो शायद यूएस, यूएस अच्छा, मतलब पैसे, पैसे टर्म, हाँ ओके। लैंग्वेज का इशू है मेनली, हाँ हाँ, साइड में। अच्छा अच्छा, ओके। ये हम बाइक लेन में चल रहे, बाइक लेन थी, थोड़ा डल तो है यूरोप, डल है। हाँ, तो सर्दियों में, जैसे सर्दियां यहाँ की बड़ी, वो डल, डल होती है, बहुत डल है। वो तो कनाडा में होगी, कनाडा में भी, यूएसए में भी तो डल होंगी। नहीं, यूएस में, कैलिफोर्निया में जाओ अभी, टी शर्ट में घूम सकते हो, तो ऐसे तो पोर्तुगल चले जाओ, अभी स्पेन चले जाओ, यहाँ पे वहाँ पे वो थोड़ी इकोनॉमी वैसी है, यूएस टाइप की थोड़ी ना है। हाँ, वो भी का तो बुरा हाल है वहाँ पे, कि आपको आधी तनख्वाह मिलेगी, और स्पेन में भी आधी मिलेगी, इटली में भी आधी मिलती है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वहाँ तो लेबर हो तुम। हाँ चलो भाई, ग्रीन लाइट हो गई। यहाँ पे आ चुका है हमारा पिज्ज़ा, यहाँ पे आ चुका अपना पास्ता,
चलो हम आप बन जाएंगे फूड ब्लॉगर्स। इंडिया में मैंने ऐसा पिज्जा नहीं खाया जो कल खाया था, वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। सही। और अभी टाइम बताऊँ कितना हो रहा है भाई? टाइम पता है कितना हो रहा है इस टाइम पर? टाइम को मैं दिखाता हूँ, टाइम दिखाता हूँ कितना हो रहा है। जो अंधेरा का जो बकचोदी चल रही है ना, एक बार मैं बताता हूँ। टाइम इज 4:55, मतलब 5 बज गए यहाँ पे। और ये अंधेरा आई थिंक लास्ट आधे घंटे पहले ही हुआ होगा। 4:30 अंधेरा होता है भाई यहाँ पे। तो सही है, जो भी है, मेक पीस विद इट बनी इन यूरोप। ये जर्मन डिश होती है ना, तो जर्मन डिश होती है ऐसे, एक सॉसेज के बीच में ब्रेड डाल के थोड़ी सॉस डाल के, मतलब सारा इनोवेट नहीं किया इन्होंने, अपने अपने इंडियंस ने बहुत ज़्यादा इनोवेट किया है। इंडियंस ने बहुत सही से खाना बना लिया, ये इनका यही था बस। ऐसा ही एक बार ट्राई कर लो, दूसरी बार मत करना। एक एक बार वही चीज़ें, एक एक बार करके ख़त्म करो, आगे से नहीं करने वाला। फिलहाल यहाँ पे आ चुकी है एप्पल ग्लू वाइन। एप्पल ग्लू वाइन है, इससे पहले जो पी थी वो रेड वाइन थी, और ये है एप्पल ग्लू वाइन। तो इसका एक बार फ्लेवर देखते हैं। एप्पल वाली बेटर है, मच बेटर। ये प्रतीक भाई है, प्रतीक भाई तो यहाँ के वो फूड ब्लॉग, आप मैं बता रहा हूँ फूड ब्लॉगिंग का चैनल खोल लो, मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत एक्सपीरियंस है खाने पीने का भाई। एप्पल वाली कभी भी आओ जर्मनी जुमनी आओ, तो हमेशा रेड वाइन वाली मत करके एप्पल वाली लेना, आप भी करो। गुड गुड गुड। तो यहाँ पे ब्लॉग बन रहा है पीछे, सारी जर्मन नर्सरी सेल्फी, जर्मन जुम्मन सारी हाजिर है भाई। क्रिसमस टाइम पे तो यूरोप में आना तो बहुत बेस्ट है। बहुत अच्छा, बेस्ट है भाई, इनकी क्रिसमस मार्केट ही है। अगर क्रिसमस नहीं होती तो फिर तो डेड सीन होता है यहाँ पे। क्रिसमस बहुत सही टाइम है यहाँ पे आने का। तो भाई यहाँ पे तुम्हारा भाई कुछ 3 से 4 क्रिसमस मार्केट में जा चुका है बर्लिन के अंदर, बट जो पोट्सडैम की मार्केट है सारी खत्म ही नहीं हो रही। पीछे आई थिंक आधा किलोमीटर अब आगे चल के आ चुके हैं, और आगे देखो आगे तक है पूरी, और काफ़ी सही है भाई। यहाँ पे जो वैरायटी है ना खाने की वैरायटी काफ़ी है यहाँ पे। सारा पेट भर गया बट नियत नहीं भरी यहाँ पे। पीछे जर्मन ग्लू वाइन थी, फिर एक स्वीडिश थी। माहौल है भाई यहाँ पे पूरा पोट्सडैम की जो क्रिसमस मार्केट है, काफ़ी गुड है। गुड गुड में जर्मन में कहते हैं गुड, गुटन टैग, गुड डे, गुड डे, गुड डे, गुटन टैग, गुड गुड गुड, ट ट होता ट, गुड ट ट, गुड 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 गुड। भाई खत्म नहीं हो रही भाई ये मार्केट, भाई मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, फिर ये मार्केट खत्म नहीं हो रही। है कि जितनी मार्केट्स होती हैं सारी कैश वाली होती हैं, ऐसे कहीं कहीं हीरो बन के अपना कार्ड वार्ड लेके आ गए यहाँ पे सब फेल हो जाएगा। जर्मनी कैश इज द किंग इन जर्मनी, ये मुझे यहाँ पे आके फील हुआ। इंडिया में तो क्या छोटा छोटा जो स्टोर वोर पे सारे यूपीआई वूपीआई सब ले रहे होते हैं, इवन ऑटो वाले भी आजकल यूपीआई ले लेते हैं। और जब हम अभी पोस्ट दाम घुसे थे ना, तो हमें पता नहीं था, मुझे तो था कि बस पिज्जा खाने जा रहे हैं, ये नहीं पता था कि आपको भी नहीं पता था, नहीं आपको इनको भी नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी बड़ी सही मार्केट है भाई यहाँ पे काफ़ी। तो भाई संडे करके भाई यहाँ पे सारी शॉप्स आज पूरी बंद है। एक तरह से संडे इनका ऐसा होता है जैसे कर्फ्यू होता है ना, जैसे दिल्ली में लॉकडाउन में सारी शॉप्स बंद होती थी, ऐसे यहाँ पे सारी बंद है हर दिन, हर संडे कर्फ्यू। बल्कि इंडिया में उल्टा है, इंडिया में संडे सैटरडे होता है, वीकेंड्स मेन बिजनेस के डेज होते हैं वहाँ पे। यहाँ संडे को सारा कोई कुछ नहीं करता यहाँ पे। तो भाई ये था कुछ फरीदाबाद बर्लिन का, अब इसी तरह जा रहे हैं हम घर। मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है वो पहले निपटाऊंगा, फिर कल से रनिंग का कुछ, कल से हो सकता है हम रनिंग करने जाएं, पक्का तो नहीं है, इतनी ठंड है वैसे तो, ठंड में मोटिवेशन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई फिलहाल ये वापस आ गए हम स्टेशन के अंदर, चलते हैं, काफ़ी बड़ा स्टेशन है भाई।